शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। देहरादून से बड़ी जानकारी, सदन के पटल पर रखा गया है अनुपूरक बजट। और बड़ी जानकारी इस वक्त की, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अनुपूरक बजट रखा है। वित्त मंत्री के साथ मौजूद रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की उत्तराखंड से है, अनुपूरक बजट यहाँ पर पेश किया गया है। और तस्वीरें आपके टीवी पर है, सदन के पटल पर रखा गया है अनुपूरक बजट और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अनुपूरक बजट रखा है। कैलाश जोशी उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, अनुपूरक बजट यहां पर पेश किया गया है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मौजूद रहे। बिल्कुल किरण, देखिए उत्तराखंड विधानसभा का जो मानसून सत्र था, वो मानसून सत्र इस वक्त चल रहा है और आज इस वक्त जो है कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में जो वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उनके द्वारा जो अनुपूरक बजट है उसको सदन के पटल पर रख दिया गया है। और अब सदन के पटल पर जो बजट है, अनुपूरक बजट, उसको रखा गया है। इसके बाद इस बजट पर चर्चा होगी। इससे पहले जो कार्यक्रम चल रहा था, सुबह से प्रश्नकाल चला, प्रश्नकाल के बाद विधेयकों को पारित किया गया। अब अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा गया है। और कल कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी है, परसों 8 तारीख को पूरे इस बजट पर चर्चा होगी और इस बजट को पास कराने का काम उत्तराखंड सरकार यहां पर करेगी। किरण, कैलाश जी, बीते कल जिस तरीके से विपक्ष ने कई सवाल यहाँ पर किए थे, तो आज क्या कुछ सवाल यहाँ पर विपक्ष की तरफ से सामने रखे गए हैं? देखिए, जहां तक अनुपूरक बजट का सवाल है, क्योंकि प्रदेश में जिस प्रकार से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री ने मीडिया से रूबरू होने के बाद बताया कि जो अनुपूरक बजट है उसको किस प्रकार से लाया जा रहा है, क्या उसमें जो क्या रूपरेखाएं तय की गई हैं। बहरहाल विपक्ष की अगर हम बात करते हैं तो विपक्ष लगातार कल से सदन बढ़ाने की मांग कर रहा था, क्योंकि सदन की अवधि कम होने के कारण विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था कि सदन की अवधि को बढ़ाया जाए और साथ ही सदन को ज्यादा से ज्यादा चलाया जाए, क्योंकि नियमावली का जो हवाला देकर विपक्ष कह रहा था कि कम से कम 7 दिन का सत्र होना चाहिए, लेकिन ये जो है पिछले वर्ष भी जो है बजट 12 दिन सत्र चला है, लेकिन इस बार भी जो सत्र की अवधि है वो कम होने के कारण विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था और साथ ही विपक्ष तमाम अपने मुद्दे गिना रहा था, जैसे कि जो जोशीमठ से आपदा आई थी उस मुद्दे की अगर हम बात करते हैं, या फिर जो इस वक्त बारिश के कारण जो बाढ़ की वजह से जो फसलों का नुकसान हुआ है उसके मुआवजे की अगर हम बात करें, तो ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर जो विपक्ष है मुखर था और कल भी विपक्ष ने हंगामा किया और आज भी किया। बहरहाल सुबह ये विपक्ष की ओर से हंगामा किया गया था, उसके बाद प्रश्नकाल शांतिपूर्ण ढंग से चला है और अब इस वक्त जो है अनुपूरक बजट सरकार की ओर से सदन के पटल पर रख दिया गया है। साथ ही विपक्ष की तरफ से ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो सरकार है देहरादून उत्तराखंड सरकार है, वो लगातार जनता के मुद्दों को की यहाँ पर अनदेखी कर रही है। कैलाश जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? संपर्क टूट गया है। तो देहरादून से बड़ी जानकारी, सदन के पटल पर अनुपूरक बजट रखा गया है, बड़ी जानकारी इस वक्त की, और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अनुपूरक बजट रखा है।